हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। हम आशा करते हैं आप जो भी अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर लें। और आज आप लोगों के सामने मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ एंड दिस मोटिवेशनल स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। होता क्या है, चार स्टूडेंट्स अपने एक ओल्ड टीचर से मिलने जाते हैं उनके घर और टीचर जो है उनको देख करके काफ़ी खुश होता है और वो उनको अपने घर में बुलाते हैं। सब आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर बोलते हैं कि मैं आप लोग के लिए चाय बना के लेके आता हूँ। जैसे ही टीचर जाते हैं चाय बनाने के लिए, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात करने लग जाते हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है कि मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूँ, कोई कहता है कि मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, कोई कहता है कि मेरे को सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही। सब अपने अपने जो है दुख एक दूसरे से शेयर करने लग जाते हैं। टीचर जो होता है वो उनकी बातें सुन रहा होता है और जो वो चाय बनाता है उनको चार कपों में डालता है। एक कप सोने का होता है, एक कप चांदी का होता है, एक कप तांबे का होता है और एक कप कांच का होता है। वो चारों कप लेके जाता है और सर्व करता है अपने स्टूडेंट्स को। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टूडेंट होता है वो सोने का कप उठा लेता है, सेकेंड वाला जो स्टूडेंट होता है वो चांदी का कप उठा लेता है, थर्ड वाला जो स्टूडेंट होता है वो तांबे का कप उठा लेता है और चौथा स्टूडेंट जो होता है वो कांच का कप उठाता है। ये सब चीज़ें देख करके जो टीचर होता है वो मुस्कुराने लग जाता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस मुस्कुराहट की वजह पूछते हैं कि सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो टीचर बोलता है, जब मैंने कप ऑफर किया फर्स्ट स्टूडेंट को तो उसने सबसे पहले सोने का कप उठाया। वो चाहता तो चांदी का भी उठा सकता था, तांबे का भी उठा सकता था, कांच का भी उठा सकता था, पर उसने सोने का कप उठाया। उसके बाद चांदी का कप, फिर तांबे का कप और लास्ट में कांच का कप। तो जो चाय है वो तो चारों में सेम है, बट ये आपका नजरिया है कि आपको उस चाय को किस कप में पीना है। आप चाहो तो आप उसको सोने के कप में पी सकते हो, आप चाहो तो आप उसको सिंपल कांच के कप में पी सकते हो। इन दी सेम वे हमारी लाइफ होती है। लाइफ सबके लिए एक जैसी है, सबके लिए सूरज उगता है फिर शाम होती है फिर रात होती है। दिस इज सेम फॉर ऑल। ये डिपेंड करता है हमारे पे कि हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ जो अभी आगे जा करके नेट JRF या फिर PSG एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर परेशान रहते हैं कि कैसे कंप्लीट होगा कोर्स, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मेरे कितने मार्क्स आएंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें एक इंसान सोचता रहता है, स्पेशली अ स्टूडेंट। वही जो टाइम वो सोचने में चिंता करने में वेस्ट कर रहा है उसको वो प्रोडक्टिवली कहीं यूटिलाइज कर सकता है। और कहाँ यूटिलाइज कर सकता है, पढ़ने में, लर्निंग करने में। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको चिंता करके डिप्रेशन में जाके टेंशन लेकर के अपनी लाइफ गुजारनी है या वही टाइम आपको पढ़ करके या अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके उसको स्पेंड करना है, राइट? तो आज की ये जो स्टोरी थी इसका मोरल सिर्फ ये है कि टाइम सबके लिए एक है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस तरीके से उसे यूटिलाइज करना है। आपको उसको वेस्ट करना है कि आपको उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो स्टॉप वरिंग, स्टॉप टेकिंग टेंशन, जस्ट गिव योर 100% एंड श्योरली यू विल बी गोइंग टू अचीव योर ड्रीम्स। सो दिस वॉज द एंटायर मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपको मोटिवेशन मिली होगी और मैं चाहता था कि आप लोगों तक ये स्टोरी मैं पहुंचाऊं, जिससे आगे जा करके जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आप अपना 100% दें और अपने गोल को अचीव कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम आपको देना चाहते हैं वो हम आपको टाइमली दे दें। हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, आप उसको भी टाइम टू टाइम बेसिस पे विजिट कर सकते हैं। उसमें हम PhD एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स डालते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।